नमस्कार, हॉप न्यूज के बॉलीवुड एडिशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयराज नायर और आज हमारे साथ मौजूद है फिल्मी जगत के एक मशहूर शख्सियत श्री तुषार किरणंदानी जी। तुषार जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, बताइए कैसे सेवा। हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आपकी जर्नी के बारे में, आपके फिल्मी सफर के बारे में, कुछ अनुभव और कुछ आने वाले काम के बारे में। मैंने पहला चालू किया था फिल्म, एक्चुअली मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था मन में इंद्र कुमार जी के यहाँ, वो मेरी पहली पिक्चर थी। फिर उसके बाद जब मैं असिस्टेंट था तो मुझे बहुत शौक था अचीव फिल्म्स का, मेरे डैड भी फिल्म्स में से, मेरे ग्रैंडफादर भी, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे तो मुझे पिक्चरों का बहुत शौक था बचपन से। तो जब मैं असिस्टेंट था तो मैं बहुत इंटरफेयर करता था इंदू जी का जो भी सीन था, तो उनको उन्होंने एक टाइम मेरे को बोला कि जा तेरे को कुछ आता है तो लिख के दिखा। उनकी पिक्चर नहीं चली थी उस टाइम पे मन सैडली, और उसके बाद उन्होंने रिश्ते करके पिक्चर बनाई जो मुझे स्टोरी का मुझे लगा कि अभी ऐसी काइंड ऑफ स्टोरी पिक्चर ही नहीं चल रही थी। अच्छा, तो वो थोड़े भड़क गए तो निकाल दिया। फिर वो पिक्चर नहीं चली तो उन्होंने मुझे बुलाया फिर से और बोला क्या कर रहा है। तो फिर मैंने बोला उनको कुछ मैं स्टोरी लिखने जा रहा हूँ डेविड धवन के लिए। अच्छा, उन्होंने बोला कि यार अगर डेविड जी के लिए क्यों लिख रहे हैं, मेरे लिए लिख। तो फिर मैं जाके उनको मस्ती सुनाया, तो मस्ती वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सेक्स कॉमेडी, तो उनको समझ में नहीं आया और पूरा ऑफिस पूरे ऑफिस को बैठ के सुनाया था तो सब हंस हंस के गिर गए। तो उन्होंने फिर भी गट्स टू मेक इट और बनी, और वहाँ से मेरी लाइफ की स्टोरी चालू हुई। वहाँ से मैं राइटर बना मिलाप जवेरी के साथ और वहाँ से हमने काफ़ी पिक्चरें लिखी। अच्छा। फिर मिलाप जवेरी सडनली एक दिन उठ के डायरेक्टर बन गया, तो और मैंने भी राइटिंग छोड़ दी क्योंकि हमारी पिक्चर ही नहीं चल रही थी एक टाइम पे। तो मैं केसरासरा में नौकरी करने लग गया। फिर केसरासरा से वापस से मैंने राइटिंग चालू कर दी। एक पिक्चर लिखी फालतू, वो रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट की और वो वापस से चली, और वहाँ से मैंने राइटिंग में करके एक विलेन आती थी तू कर जाओगे, ABCD बहुत पिक्चरें लिखी और सब चली, Housefull 2। हाँ। काफ़ी पिक्चर में लिखा और काफ़ी सक्सेस भी मिला। वहाँ से फिर मुझे जॉब ऑफर भी आया बालाजी का जॉब, एंड आई बिकेम हेड ऑफ फिल्म्स इन बालाजी। ग्रेट। हाँ। फिर मुझे लगा अभी सब कुछ कर लिया है, रिटायर हो जाना चाहिए। अच्छा। बट हाँ, रिटायर होने के लिए मैं रेडी हो गया था। मेरी वाइफ को भी बोल दिया था कि मैं भी 45 का हो चुका हूँ, 50 के अभी 3-4 साल और काम करूँगा, पैसे कमा लिए, फिर घर पे बैठ के आराम करूँगा, इंजॉय करूँगा। तब मैंने दादियों का चंद्र तोमर, प्रकाशी तोमर का इंटरव्यू देखा आमिर खान के साथ। उन्होंने 60 साल की उम्र में बंदूक चलाना उठाया और गोल्ड मेडल जीते, स्पेशली शूटिंग में। तो मुझे लगा यार ये 60 साल की उम्र में वो लोग इतना कर रहे हैं तो मैं कैसे रिटायर हो सकता हूँ। तो मेरा जो ड्रीम था हमेशा डायरेक्टर बनने का, वो मैंने चालू के साथ किया थे, विच माई वाइफ निधि सपोर्टेड मी एज अ प्रोड्यूसर। ओके। एंड वहाँ से स्टार्ट किया, शायद वो जो आपने देखा वही आपके लिए इंस्पिरेशन साबित हुआ, इसलिए तो वही मैंने वहाँ से लिया, स्टार्ट किया बनाया। और फिर अभी करते करते स्टार्ट किया, फिर ये आ गया, सबको पता है कोविड हो गया, कोरोना आ गया। हाँ। 2 साल हम सब घर पे बैठे। लकी आंसर में था सर जिसका मुझे बहुत बड़ा फैन हूँ, स्कैम देख के मेरे को आई थिंक वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शोज आई हैव सीन एवर ऑन OTT इंडिया। सो आई रियली लाइक स्कैम एंड लकीली सांसद सर ऑफर्ड मी स्कैम टू, सो देन आई टुक दैट, वो ले लिया। और अभी मेरी पिक्चर चालू हो रही है श्रीकांत बोला विद राजकुमार राव एंड ज्योतिका एंड अलया एंड लॉट ऑफ पीपल इन इट, वो श्रीकांत बोला पे बायोपिक है तो वो भी चालू हो रही, तो लकीली अभी सब चालू है। ओके। कुछ थ्रोबैक में जाकर आपने जो अच्छी फिल्में दी हैं उसके बारे में कुछ अनुभव, कुछ आपने सीखा, कुछ गलतियाँ की हो, कुछ आपको लग रहा है जो अभी ठीक कर रहे हैं? सर इस लाइन में कुछ नहीं है, कोई गलती कोई ये नहीं, एक ही रूल है, क्या सक्सेस आपका फ्रेंड और फेलियर आपका दुश्मन। आप सक्सेसफुल हो तो सब आपके फ्रेंड्स होंगे, सब आपकी गलती भी सब राइट होगी, और अगर आप फेलियर हो तो आपकी सही चीज भी सब गलती होगी और सब आपके दुश्मन होंगे। तो कुछ नहीं, नथिंग मैटर्स बट सक्सेस एंड फेलियर, और इधर नहीं हर जगह लाइफ में सक्सेस और फेलियर मैटर्स द मोस्ट। अगर लोग बोलेंगे नहीं खुशी मैटर करती है, वो सब बकवास है, सक्सेस मैटर्स अ लॉट एवरीवेयर। साल की बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई लोगों को, इतनी बड़ी सक्सेस नहीं थी, अच्छी क्रिटिकली आ गई,
लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। हमने मिस्टेक किया था, हमने रिलीज दिवाली में आ गया, हम अक्षय कुमार सर के सामने, कोई और दिन पे आते तो और बड़ी सक्सेस होती, सक्सेस नहीं थी। तो लोगों को अभी आपसे बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो अभी आप नए हैं क्या, प्रोजेक्ट पे क्या काम कर रहे हैं? मैंने जैसा बोला आपको कि स्कैम 2003 कर रहा हूं और एक फिल्म है श्रीकांत बोला जिसमें राजकुमार साहब है उनके साथ कर रहा हूं मैं, चालू अभी वो चालू हो रही है नेक्स्ट 20-25 दिन में। ओके, वो चालू। ओके, और आप ये स्कैम 2003 करने के पीछे क्या इंस्पिरेशन, कोई रीजन, कोई इन्फ्लुएंस? कोई इन्फ्लुएंस नहीं, स्कैम इतना बड़ा शो है कि उसको कोई ना ही नहीं बोल सकता है। रंसन सर बहुत ही बढ़िया आदमी है, मैंने अगर लाइफ में किसी अगर किसी को मैं थैंकफुल बोलूंगा तो पहले तो इंदु जी जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया और उसके बाद हंसल मेहता जिन्होंने मुझे री ब्रेक दिया। अच्छा, तो ये दो लोग हैं जो मेरे करियर के पीछे मेन है। एग्रीड, लेकिन बिकॉज़ इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट इन इंडिया, तो इसलिए पूछ रहा हूं कि सेंसिटिव नहीं है स्कैम, में कोई सेंसिटिविटी है? बहुत ही सिंपल है, हर जगह स्कैम होता है और इंडिया में भी होता है, हर कंट्री में स्कैम होता है। इट्स ओनली दैट यू हैव टू बी आर वी कैन शो इट टू यू, तो वो मजा है वो, और एंटरटेनमेंट के साथ है, ऐसा कोई सीरियस सेंसिटिव नहीं। ओके, इट्स एंटरटेनिंग, क्योंकि आजकल अगर कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट को टच करते हैं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो इट्स नॉट पॉलिटिकल, इट्स अबाउट अब्दुल तेली, सो इट्स पॉलिटिकल पॉलिटिकल। ओके, और अगले एक साल के अंदर आप बॉलीवुड में क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं, क्योंकि अभी साउथ इंडियन फिल्म्स का जो है थोड़ा सा ट्रेंड चल पड़ा है, कई बॉलीवुड स्टार्स जो है अब साउथ इंडियन फिल्म्स में फीचर करना शुरू हो गए हैं, रीमेक्स हो रही हैं, तो व्हाट डू यू सी बॉलीवुड इन नेक्स्ट? पहले भी होता था, आज से नहीं, पहले से ये हो रहा था, जितेंद्र साहब ने चालू किया था, आज नहीं 25 साल पहले वापस से आ रहा है, दैट्स नॉट इट। जो अच्छी पिक्चर है वो चलेगी, जो अच्छी पिक्चर नहीं है वो नहीं चलेगी, सिंपल। ऐसा नहीं है कि पिक्चरें नहीं चल रही, जो अच्छी है लोग जाके देख रहे हैं, जो नहीं अच्छी है रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आजकल एक बॉयकॉट का भी एक ट्रेंड शुरू हो चुका है। आई डोंट थिंक कोई पिक्चर कोई बॉयकॉट से कुछ होता है, ये सब बातें हैं, मुझे पता नहीं, बट आई थिंक जो लोग मुझे, मैंने कभी नहीं देखा कि ये बॉयकॉट करो, जो पिक्चर अच्छी होगी लोग जाएंगे 100% देखने, जो उनको नहीं समझ में आएगी नहीं। ओके सर, आप जो टॉपिक्स चूज करते हैं फिल्मों के लिए, इसके पीछे का आपका जो क्या रहता है थॉट प्रोसेस, क्या रहता है? मेरे को एक्चुअली आई लाइक टू टेक टॉपिक्स दैट इंटरेस्ट मी, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जब भी ऐसी, मेरे को बायोपिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, और जो भी बायोपिक मुझे बॉडी रिएक्शन आज अगर मैं रोया या हंसा या कुछ फील आया मुझे मेरी बॉडी में जब सुनते हुए कोई भी सब्जेक्ट, मुझे वो अट्रैक्ट करता है। जैसा मैंने पहली दादियों का स्टोरी जब मैंने आमिर खान के साथ देखा तो मैं रोने लग गया था, तो मुझे पता था कि मुझे ये करना, मेरी वाइफ ने बोला कि देन यू शुड डायरेक्ट दिस फिल्म नॉट राइट इट, तो मैंने डायरेक्ट किया। Inspiration films or not your typical commercial films, but yeah, these are the films I want to do as a director. Sir, any other plans, any other things you would like to add? Nothing sir, अभी जो अभी the times are ऐसा है कि जो हो रहा है चलते रहने दो, planning से तो कुछ नहीं हो रहा, last दो साल ने बता दिया लाइफ ने बता दिया कि दो साल में जो हुआ है कि लोगों का सब प्लान इधर उधर चले गए, तो प्लानिंग अभी मैं करना बंद कर दिया, जो आई टेक इट डे बाय डे, डे बाय डे जैसा होता है वो वैसे करता हूँ, आई फॉलो डे बाय डे करता हूँ। ऑडियंस के लिए कोई खास मैसेज? आ जाओ थिएटर में, जो अच्छी लगती पिक्चर है देखो, आके थिएटर में मजा आएगा सबको, अपनी फैमिली उसके लेके आओ। आई थिंक the audience is not only it's not like the audience is not coming, it's also our fault that we should be giving them good cinema for them to come back to. No, because now OTT has gained a wider platform now. Not necessary. Like I said, अच्छी पिक्चरों के लिए लोग आते देख रहे, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे, जो चांस दे रहे, जो पिक्चरें अच्छी हैं वो चल रही, जो नहीं है नहीं नहीं चल रही। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।